बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एडम्स हाई स्कूल। इट्स अवर वीडियो क्लास फॉर क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट दीनियात। शुरू करते हैं हमारा दूसरा सबक जो है इस्लामी मालूमात। आज हम अपने दूसरे सबक से अपनी इस्लामी मालूमात में कुछ इजाफा करेंगे। और सबसे पहला सवाल है हमारा कि अल्लाह ने बड़ी बड़ी किताबें नाजिल की हैं, उनके नाम क्या हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला ने आसमान से किताबें नाजिल की हैं, मुख्तलिफ़ नबियों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। और इन किताबों के नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील और क़ुरान मजीद। इन किताबों के नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील और क़ुरान मजीद। कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई? हमारा दूसरा सवाल है कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई? तो तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, और आखिरी किताब जो कि क़ुरान मजीद है और वो किताब हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। सहीफ़ा कितने हैं, सहीफ़े कितने हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? सवाल एक बार फिर से सुनिए बच्चों, सहीफ़े कितने हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? आपको मालूम है बच्चों सहीफ़ा किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई छोटी छोटी किताबों को सहीफ़ा कहा जाता है। सहीफ़ा जमा है लफ्ज़ सफ़हा की, सफ़हा मीन्स पेपर, सहीफ़ा लफ्ज़ की जमा सहीफ़े हैं। तो सहीफ़े कितने हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुए? सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने आसमान से मुख्तलिफ़ नबियों पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किताबें नाजिल की हैं। कुछ नबियों पर बड़ी बड़ी किताबें नाजिल की हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील और क़ुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है और क़ुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इसी तरह चंद छोटी छोटी किताबें जिन्हें सहीफ़ा कहा जाता है वो किन पैगम्बरों पर नाजिल हुई? सहीफ़ों की कुल तदाद तो अल्लाह को बेहतर मालूम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मालूम है कि कुछ सहीफ़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए जिनकी तदाद तकरीबन 10 है। 10 छोटी छोटी किताबें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई हैं। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर, शीस अलैहिस्सलाम हमारे एक नबी हैं जिनका नाम है शीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ऐसे कई सहीफ़े नाजिल किए हैं। सहीफ़ा मीन्स छोटी छोटी किताबें नाजिल की हैं जिनकी तदाद तकरीबन 100 के करीब है प्यारे बच्चों। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने कई सहीफ़े नाजिल किए हैं, और कुछ सहीफ़े हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए और कुछ सहीफ़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी नाजिल हुए। याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम पर एक बड़ी किताब जिसका नाम तौरात है, अल्लाह ताला ने तौरात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की है। इस तरह से कुछ सहीफ़े यानी छोटी छोटी किताबें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। रसूल किसे कहते हैं? रसूल किसे कहते हैं बच्चों? रसूल अल्लाह के वो ख़ास बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने दूसरे बंदों तक अपना हुक्म, अपने अहकाम, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया, जो कि बहुत नेक होते हैं, हर बुराई से, बुरे काम से पाक होते हैं। जो रसूल होते हैं वो हर बुरी आदतों से, बुराई से, बुरे कामों से दूर होते हैं और वो इंतहाई नेक इंसान, नेक सिफत इंसान होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला चुन लेता है अपने अहकाम इन रसूलों के ज़रिए, इन बंदों के ज़रिए अपने तमाम बंदों तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह ताला इस काम के लिए कुछ नेक बंदों को चुन लेता है, उन बंदों को रसूल कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। अम्बिया की कुल तदाद कितनी है? अम्बिया लफ्ज़ है, लफ्ज़ नबी की जमा है, नबी की कुल तदाद कितनी है? अम्बिया लफ्ज़ नबी की जमा है प्यारे बच्चों।
अंबिया किसे कहते हैं और अंबिया की कुल तादाद कितनी है। अंबिया की कुल तादाद 124,000, जैसे कि अमूमन हम सबको मालूम है कि नबी और पैगंबर की कुल तादाद 124,000 है, लेकिन सही तादाद अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन हम जितना जानते हैं कि नबी और पैगंबर की कुल तादाद 124,000 है और हमें उन तमाम नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है, हमें उन तमाम नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। सबसे पहले और आखिरी पैगंबर कौन है? हमारे सबसे पहले नबी और पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और हमारे आखिरी नबी और पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे सबसे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी हम उम्मत हैं। हम किसकी उम्मत है प्यारे बच्चों? हम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो कि आखिरी पैगंबर नबी और रसूल हैं। अल्लाह के आखिरी पैगंबर नबी और रसूल हैं। सबसे अफजल रसूल कौन है? सबसे अफजल रसूल कौन है? हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अफजल और बुज़ुर्ग हैं। सबसे अफजल रसूल कौन है प्यारे बच्चों? यूं तो नबी और पैगंबर 124,000 हैं, उससे ज़्यादा हैं, लेकिन उन सब में सबसे बेहतर, सबसे अफजल नबी हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि तमाम नबियों के सरदार हैं। क़यामत क्या है? क़यामत किसे कहते हैं बच्चों? क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन तमाम जानदार मर जाएंगे और यहाँ तक कि हर बेजान चीज़ भी टूट फूट कर बिखर जाएगी। उस दिन क़यामत का दिन होगा। क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि बेजान चीज़ें भी, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जान हो और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जान ना हो, उन सब का खात्मा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, वो क़यामत का दिन होगा। और क़यामत कब आएगी? क़यामत का सही वक्त अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई हैं जिनसे क़यामत का अंदाज़ा हो सकता है। क़यामत कब आएगी इस बात का इल्म अल्लाह सुबहाना व ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी निशानियाँ, कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा होंगे क़यामत से पहले जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत जल्द ही वक़ू पज़ीर होने वाली है। और उन निशानियों में से कुछ निशानियाँ मंदरजा ज़ैल हैं। उन निशानियों को देखते हैं प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं उन निशानियों के बारे में। क़यामत की सबसे पहली निशानी, जब गुनाह आम होने लगे, जब इंसान मुसलमान होते हुए भी गुनाह करने से गरेज ना करे, गुनाह से ख़ुद को बचाए नहीं, ये सबसे पहली निशानी है। गुनाह करते हुए उसे अल्लाह का खौफ ना आए, ये एक क़यामत की सबसे पहली निशानी है। और दूसरी निशानी, अमानत में ख़यानत होने लगे। अमानत मीन्स वो चीज़ें जो कोई और, जो आपके पास बतौर हिफाजत के लिए, बतौर जैसे कि किसी और के कुछ रुपये हैं वो आपके पास रखा है, तो उस शख्स के वो रुपये आपके पास उसकी अमानत होगी, और आप अगर उस अमानत में ख़यानत करेंगे, यानी उस रुपये को देखकर आपके दिल में लालच आ जाए और फिर आप उस रुपयों को अपनी ज़ात पर ख़र्च करने लग जाएं या ख़र्च कर दें, तो ये अमानत में ख़यानत होगी। तो ये क़यामत की दूसरी निशानी है कि लोग अमानतों में ख़यानत करने लगेंगे। यानी कोई शख्स अगर किसी शख्स के पास अपनी अमानत रखा है, चाहे पैसे हो, जेवर हो या कोई कीमती असासा हो, तो रखने वाला शख्स, अमानत रखने वाला शख्स उस अमानत में ख़यानत करने लगे, ये क़यामत की दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी, लोग वालिदैन की नाफरमानी करने लगेंगे, यानी बच्चे हों या कमसिन बच्चे हों या फिर नौजवान बच्चे हों, वो बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे, वालिदैन के फरमाबरदार नहीं रहेंगे और वालिदैन के साथ सवाल जवाब करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, ये क़यामत की तीसरी निशानी है। क़यामत वाक़े होने की चौथी निशानी देख लीजिए, गाना बजाना और नाच आम हो जाएगा। जैसे कि आजकल का माहौल है कि हर कोई म्यूज़िक की तरफ, गाने बजाने की तरफ, खेल की तरफ इंट्रैक्ट जल्दी हो जाता है,
तो जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है कि हर तरफ गाना बजाना और बेहयाई के कामों से ख़ुद को नहीं रोकना, ये भी एक क़यामत की निशानी है प्यारे बच्चों। लोग पहले के बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगे, क़यामत की पांचवी निशानी देख लीजिए, लोग पहले के बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगे। बुज़ुर्ग यानी नेक सिफत इंसानों के बारे में भी लोग बुराई करने लगेंगे। जैसे कि गुज़रे हुए ज़माने में जो भी बुज़ुर्ग हस्ती गुज़रे हैं उनके बारे में लोग बुरा भला कहें, उनके ख़िलाफ़ बुरी बातें कहें, ये भी क़यामत की एक निशानी है। छठी निशानी, बे इल्म पेशवा बन जाए वगैरह वगैरह, यानी ऐसे कई निशानियां हैं क़यामत वक़ू पज़ीर होने से पहले, ऐसे कई निशानियां हैं जो कि हम गौर करें तो वो तमाम निशानियां पूरी होती हुई भी नज़र आ रही हैं। जैसे कि गुनाह आम हो रहा है, अमानत में लोग ख़यानत कर रहे हैं, लोग वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, गाने बजाने में खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और बुज़ुर्ग लोगों को बुरा भला कहने से भी गरेज़ नहीं कर रहे हैं। बे इल्म यानी जिसके पास इल्म ना हो वो पेशवा बन जाए, वो हुक्मरानी करने लगे, ये भी क़यामत की एक निशानी है। बढ़ते हैं हमारा आखिरी सवाल की जानिब, जो शख्स ईमान लाने के बाद नेक आमाल ना करे तो क्या वो मुसलमान है? इसका जवाब है हाँ, अगर कोई शख्स ईमान लाए और उसके बाद नेक अमल ना करे तो वो मुसलमान तो रहेगा लेकिन वो गुनाहगार हो जाएगा, और ऐसे शख्स को फासिख कहा जाता है। अगर कोई शख्स मुसलमान है और वो ख़ुद को गुनाह से नहीं रोक रहा है, वो नमाज़ पाबंदी से अदा नहीं कर रहा है और रोज़े नहीं रखता, तिलावत कुरान पाक नहीं करता, तो ऐसा मुसलमान मुसलमान ही रहेगा, ऐसा शख्स मुसलमान ही रहेगा, बल्कि वो गुनाहगार हो जाएगा। और ऐसे शख्स को, ऐसे मुसलमान को जो ख़ुद को बुराई से ना रोक सके, फासिख कहते हैं। क्या कहते हैं? फासिख कहते हैं। इख्तिताम करते हैं हमारी दीनियात क्लास का, उम्मीद करते हैं कि आपकी इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।